घोस्ट राइडर स्किल फेस भी इफेक्ट्स। इस वीडियो को बनाया डॉक्टर मोक्सा ने, तो हम बात करने वाले हैं आप इस वीडियो को कैसे बनाओगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर एप्लीकेशन की, और आपको काइन मास्टर में ये वाला फ्रेम चूज़ कर लेना है, क्योंकि आप टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करोगे। ये वाला फ्रेम चूज़ करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको काइन मास्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आपके वीडियो में काइन मास्टर लिख के आ रहे, ब्लेंडिंग में आपसे पैसे मांग रहे, या फिर प्रीमियम वर्जन आपको चाहिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे इस काइन मास्टर का लिंक है। ये जो मेरा वाला काइन मास्टर प्रो वर्जन का है, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम काइन मास्टर से रिलेटेड नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप मेरे वाले काइन मास्टर का यूज़ करना, नहीं तो आपके वीडियो में मेड विथ काइन मास्टर लिख कर आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर मीडिया का बटन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको एक वीडियो ऐड कर लेना है। तो उसके पहले आपको इस वीडियो को शूट करना पड़ेगा, बोले तो बनाना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को बनाओगे कैसे, ये आप देख रहे हो, ये वाला जो वीडियो है हैंड फायर इफेक्ट, तो मेरे हाथ जैसे ही मैं निकालूंगा जलने लगेंगे दोनों हाथ। इस वीडियो को आप कैसे बनाओगे, कैसे शूट करोगे, बात ये होती है। तो मैं आपको अभी पहले ये बता दूं कि आप इस वीडियो को शूट कैसे करोगे, तो आपको जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आपको मिलेगा एक लिंक, बस आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है। ये वीडियो हम टिकटॉक से ही शूट करेंगे, इसका इफेक्ट लगा के टिकटॉक में ये हैंड वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप मेरे लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँचने के बाद आपको ओपन ऐप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन ऐप। जैसे आप ओपन ऐप पे क्लिक करोगे ये वीडियो टिकटॉक में ओपन हो जाएगा, टिकटॉक पे। तो इस वीडियो टिकटॉक पर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये वीडियो टिकटॉक पर ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप देख रहे हो ये फायर इफेक्ट वाला हैंड है, मतलब फायर हैंड इफेक्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो शेयर वाला बटन दिख रहा है, इस बंदे का शेयर वाला बटन, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यूज दिस इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यूज दिस इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये इफेक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ये इफेक्ट यूज किया, तो मेरे हाथ जलने लगेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे हाथ जलने लगेंगे, तो आपको ये वाला इफेक्ट यूज कर लेना है। मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, आपको बहुत आसानी होगा इस वीडियो को बनाने में अगर आप मेरा ट्रिक यूज करते हो। तो आप ये इफेक्ट यूज कर लेना, एकदम अच्छे से यूज कर लेना इफेक्ट, और वीडियो शूट करके प्राइवेट करके पोस्ट कर देना, तो ये टिकटॉक वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और जब ये वीडियो सेव हो जाएगा तो फिर से आपको यही काइन मास्टर में वीडियो ऐड करने के बाद आपको वो पोजीशन सिलेक्ट करना है जहाँ से आपके हाथ जल रहे हैं, वो पोजीशन आपको सर्च कर लेना है। जब आप उस पोजीशन को सर्च कर लेते हो जहाँ से आपका हाथ जलना स्टार्ट होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा हाथ जलना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस पोजीशन पर पहुंच चुका हूं। अभी सेम इसी पोजीशन पर आपको भी आ जाना है, और इस पोजीशन पर आने के बाद आपको यहां पे लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहां से जाना है आपको मीडिया वाले ऑप्शन पे, और यहां से मीडिया वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक वीडियो ऐड कर लेना है, जो कि ग्रीन स्क्रीन में है, यहाँ पे घोस्ट राइडर का मास्क है जलता हुआ, इसको आपको ऐड कर लेना है। सबसे पहले हम इसका ग्रीन कलर हाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको ऊपर सेट करते हैं थोड़ा सा, और ग्रीन कलर इसका हाइड करने के लिए साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहेंगे, आपको जाना होगा क्रोमा की वाले ऑप्शन पे, क्रोमा की, इसको आपको कर देना है इनेबल। इनेबल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग आप कर लेना है, यहाँ पे दो आपको पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट को इधर उधर करके आप सेटिंग मार देना। तो मेरा अभी अच्छे से हाइड नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से नहीं हाइड हुआ ये मास्क। अभी हम इसको अच्छे से हाइड करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था वो फुल ग्रीन में नहीं था, थोड़ा डार्क ग्रीन था, तो हम इसके लिए की कलर में जाएंगे, की कलर को थोड़ा डार्क ग्रीन करेंगे। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम डार्क पे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको लेकर चलते हैं डार्क पे इस पॉइंट को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जल रहा है हमारा ये मास्क, इसके पीछे का बैकग्राउंड फुल ग्रीन नहीं डार्क ग्रीन है, तो हम की कलर डार्क ग्रीन कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हम सेटिंग मैनेज पर जाएंगे, और इन दोनों को थोड़ा पॉइंट इधर करते हुए हम इसको जब सेट करेंगे तो यहाँ पे एकदम अच्छे से ग्रीन कलर हाइड होगा, और ये मास्क बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, और ग्रीन कलर जो है वो हाइड हो जाएगा। अभी हम इसको सेट करेंगे अपने फेस पे, तो हम अपने फेस पे इसको सेट कर लेंगे बिल्कुल। अपने फेस पर सेट करने के लिए हम इसको सबसे पहले छोटा कर लेंगे, बिल्कुल ही छोटा कर लेना है इसको आपको। बिल्कुल छोटा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड में फालतू के पार्ट है यहाँ पे स्पेस है, खाली स्पेस है, और यहाँ पे जो मास्क जल रहा है जो खाली स्पेस है उसको क्रॉप कर देंगे। तो हम जाएंगे
जाएंगे यहाँ पे क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग पे जाने के बाद यहाँ पे फालतू का स्पेस जो हम इसको क्रॉप कर देंगे, ओनली हमको मास्क ही लेना है, जो जल रहा है वही मास्क हमको लेना है। तो हम फालतू का स्पेस क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको जूम करेंगे और अपने फेस पर सेट कर देंगे। तो हम इसको कर लेते हैं जूम और यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फेस है वो क्रॉस है। तो हम इसको क्रॉस करके आपको अपने फेस के साइज में लाना है और इसको अपने फेस के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिट कर देना है, ताकि ऐसा लगे ये आपका ही फेस है। ऐसा आपको बिल्कुल अपने फेस के ऊपर एकदम वही साइज में वही पोजीशन पर लाकर आपको बिल्कुल सेट कर देना है। तो जैसे आप इसको सेट कर दोगे तो आपका वीडियो यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हो कुछ ऐसा हमारा वीडियो बन चुका है, और ये सबसे आसान तरीका होगा मेरे यहाँ पे, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे आसान ट्रिक होगा आपको ये वीडियो बनाने के लिए मेरे एक्सपीरियंस से। तो ये वीडियो आपका एकदम आसानी से बन जाएगा। बात आती है, स्टार्टिंग में मैंने एक गलती कर दी थी, आपको नहीं करना है। आपने ये वीडियो टिकटॉक से यहाँ पे ऐड किए तो यहाँ पे टिकटॉक का लोगो आएगा, आप देख रहे हो टिकटॉक का वाटर मार्क जो आ रहा है उसको आपको पहले ही जूम कर लेना है इस वीडियो में। तो जो टिकटॉक का वाटर मार्क है मैंने उसको जूम करके ये वीडियो नहीं बनाया, तो आपको उसको पहले जूम कर लेना है। तो मैं इस मास्क को कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे आपको पहले इस वीडियो को जूम कर लेना है, यहाँ पे टिकटॉक का वाटर मार्क हटा देना है, उसके बाद मास्क को लगाना है। लेकिन मैं ये गलती कर दी हूँ, आपको नहीं करना है। तो हम इसको जूम कर लेंगे, यहाँ पे जूमिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे जूम, जहाँ तक का ये टिकटॉक लिख के आ रहा है वो हाइड नहीं हो जाता, उतना जूम आपको कर लेना है। और ये जो इक्वल वाला बटन दिख रहा है इसको कर देना है, तो आपका यहाँ पे टिकटॉक का वाटर मार्क हट जाएगा। उसके बाद ही आप ये फेस लगाना, जो फेस जल रहा है मास्क है जो घोस्ट राइडर वाला, उसको ऐड कर देना। तो हमारा वीडियो बन चुका है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब